आदरणीय SDM सर, हमारी शाखा के बड़े शाखा प्रबंधक मूर्ति सर, मंच पर विराजमान मेरे लियाफी के साथियों, बिलासपुर मंडल की अलग अलग शाखाओं से पधारे मेरे अभिकर्ता भाइयों एवं बहनों, जैसा कि इमरान भाई ने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि आरके शेट्टी जी का जो सेमिनार था वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो साथियों, ये सेमिनार्स और मीटिंग्स के बारे में मैंने आज से 10 साल पहले टोनी गार्डन जो NDRT के चेयरपर्सन थे उनका एक लेख पढ़ा था NDRT के पोर्टल में। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो हम लोगों की ट्रेनिंग्स होती हैं या सेमिनार्स होते हैं या इस तरीके की कोई मीटिंग होते हैं, इसको आप लोग जरूर अटेंड करें। क्या मालूम कौन सी ट्रेनिंग या कौन सा सेमिनार आपके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। आप सबको मालूम है कि जीवन बीमा का व्यवसाय मेरा पैतृक व्यवसाय है। आज मेरी एजेंसी को भी 36 साल हो गए, लेकिन साथियों, मेरा आज भी प्रयास होता है कि मैं किसी मीटिंग को ना टालूं, हर सेमिनार को अटेंड करूं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि आपको 5 साल का बच्चा भी कुछ सिखा करके जा सकता है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये पूरा जीवन हमारा सीखने में निकल जाएगा। जब हम और बड़े हो जाएंगे और हमारा कैरियर बढ़ जाएगा, उसके बावजूद भी हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ रहेगा। तो ऐसा ही सेमिनार जब सेठी साहब का हुआ, और जब सेठी साहब, आप में से काफी लोग उसमें रहे होंगे, स्क्रीन में जब दिखा रहे थे, उन्होंने अपने बच्चे की पॉलिसी जब 50 लाख प्रीमियम की दिखाई थी, मैं बैठे बैठे पीछे चिंतन कर रहा था कि 50 लाख प्रीमियम की पॉलिसी कैसे हो सकती है। सेमिनार चल रहा था और मेरे दिमाग में कौन कौन क्लाइंट हो सकते हैं जो 50 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकते हैं, और अगर सेठी साहब ये प्रीमियम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये मेरे दिमाग में घूमा। और वापस आकर के मैंने ऐसे 5-10 लोगों की, स्वाभाविक है 50 लाख देने वाले बहुत ज्यादा तो होंगे नहीं, ऐसे 5-10 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई। उसमें से 5 करीब ऐसे थे जिनसे मेरा इंटरेक्शन था या जो मेरे ऑलरेडी क्लाइंट थे। 5 मैंने ऐसे लोगों की भी लिस्ट बनाई जिनको मैं जानता था, जो मुझे जानते थे, लेकिन वो हमारे क्लाइंट नहीं, लेकिन मैं ये जानता था कि ये लोग इतना बड़ा प्रीमियम दे सकते हैं इनकी कैपेसिटी, और मैंने उस लाइन में काम करना शुरू किया और इसमें मुझे सपोर्ट मिला जो इस साल के बजट में चेंजेस आया सेक्शन 1010D का, वो मुझे सपोर्ट मिला बड़े प्रीमियम में और मैंने काम करना शुरू किया। तो 15 मार्च के बाद मुझे पहली सफलता मिली और 150 लाख का प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम हो। तो इस तरीके से मेरे इस वर्ष की TOT का सफर शुरू हुआ, और फिर आने वाले दिनों में मुझे 10 लाख 15 लाख के और प्रीमियम मिले। लेकिन वो सेमिनार जो शेट्टी साहब का मैंने अटेंड किया, वो उसने मुझे दिमाग में मेरे असर डाला कि 50 लाख का प्रीमियम निकाला जा सकता है, हो सकता है, जब बंबई में क्लाइंट करा सकता है तो हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके बाद हमारे बिलासपुर में क्यों नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आपके जीवन में ऐसे जो भी अवसर आए, जहां पर कोई ट्रेनिंग हो, कोई सेमिनार हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आए, इवन हमारी ये दियापी की मीटिंग है, ठीक है, मीटिंग में हम लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में बात करी, लेकिन जब हम खाना खाते हैं या मीटिंग के पहले या मीटिंग के बाद में मिलते हैं तो भी बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान। तो आप लोग प्रयास करें कि सभी मीटिंग्स अटेंड करें। गंगा बह रही है, हमको अपने हिस्से का पानी उसमें से निकालना। थैंक यू।